पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जितना तनाव है सब दूर कर दीजिए फिर से एक बार लीजिए और मन को एकदम शांत करिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है टेक्नोक्रिट्स में इस तनाव भरी ज़िंदगी को कभी कभी मौका देना चाहिए थोड़ा सा आराम करने के लिए ताकि हमारा दिमाग थोड़ा सा शांत हो सके तो मैं आपको योग सिखाने के लिए नहीं आया हूँ बस थोड़ी सी बात की क्योंकि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्क लोड की वजह से काफ़ी तनाव में रहते हैं तो वो दूर हो चुका हो तो अब दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि आज ये क्या चीज़ लेकर आया हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो बहुत ही प्यारी सी चीज़ है आपने वैसे इमेज में तो देख लिया है थंबनेल में लेकिन शायद आपको ठीक ठीक से ना समझ में आया या शायद हो सकता है आ गया हो तो सारी बातें मैं बताऊंगा बड़ी ही अनोखी बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही प्यारी चीज़ है और अक्सर ये बहुत ही ज़्यादा कामगार साबित होता है तो चलिए देर नहीं करते हैं शुरू करता हूँ ये बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है और अक्सर जब सीज़न आता है या त्यौहार आते हैं तो हम घरों में लग जाते हैं साफ़ सफ़ाई में और ऐसे समय में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जैसे पंखा हो गया या अलमारी के ऊपर का हिस्सा हो गया या ऊपर के कोने वाले हिस्से हो गए वहाँ हमारा हाथ पहुँच नहीं पाता है ऐसी ही चीज़ों को साफ करने में मदद करेगा ये लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये कितनी चीज़ें कर सकता है इसके अंदर और क्या क्या अनोखी चीज़ें हैं कौन सी अच्छी बात है इसकी और क्या लेना सही रहेगा या नहीं वो सारी चीज़ें हम आपस में बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद में अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप चेकआउट करिएगा जाकर खुद भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक एक करके इसकी क्वालिटी की बातें कि ये क्या क्या चीज़ें करेगा सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का है तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि पंखे को कितने आराम से ये साफ़ कर सकता है अक्सर ऊपर और नीचे पंखे के दोनों हिस्से गंदे होते हैं और उनको साफ़ करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है और खासकर दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या होती है नीचे गद्दे पर बहुत ज़्यादा धूल गिरने लगती है क्योंकि पंखा हमारे ठीक गद्दे के ऊपर होता है मतलब कि हमारा बैड जो है उसके तो उसमें ये बड़ा ही कामगार साबित होने वाला है प्लस इससे आप बहुत अलग अलग तरीके के कोनों को साफ़ कर सकते हैं क्योंकि इसका सबसे इंटरेस्टिंग फ़ीचर जो है वो ये है कि ये बहुत ही आराम से फ्लैक्सीबली मुड़ सकता है और इसके अंदर दो अलग अलग हिस्से आते हैं एक पूरी डंडी आती है मतलब कि अच्छी खासी लंबी है और प्लस उसके अंदर हुक के नुमा से इसको फंसा दिया जाएगा और इसके साथ में आप चालू करेंगे सफ़ाई मतलब कि दोनों अलग अलग तरीके से काम कर सकता है इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बड़ा ही सॉफ्ट टाइप का कपड़ा है जो कि जल्दी कटता फटता भी नहीं है और इसको हम वॉशिंग मशीन में या वैसे भी नॉर्मली धुल के साफ़ कर सकते हैं तो इसकी भी चिंता नहीं रही क्योंकि एक बार साफ़ करने के बाद में तो इसकी ऐसे ही तैसे हो जाएगी धुलना बहुत ज़रूरी रहेगा झाड़ने से काम बनेगा नहीं वैसे ही जो फर्श के नीचे का हिस्सा है मतलब कि फ़र्श के ऊपर का नीचे का नहीं मतलब जैसे हम कोई टेबल वगैरह रख दिए उसके नीचे हमको साफ़ करना है तब भी हम इससे बड़े ही आराम से सफाई कर सकते हैं इसके अलावा रैक जो है उनके ऊपर का हिस्सा है वो भी हम बहुत आराम से इससे साफ़ कर सकते हैं तो इस समय अगर ध्यान दो तो हमने डंडी निकाल दी थी और ये जैसे इसका जो क्या कहते हैं प्लास्टिक का बना है बट इसकी प्लास्टिक जो है वो काफ़ी अच्छी और मज़बूत टाइप की है तो जब हमको हाथ से पकड़ के इसका काम करना है तो ये दिख रहा है आपको कैप लगा हुआ था कैप को हम बंद कर देंगे और नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ कैप खोल के हम इसमें जो अलग से एक डंडा मिल रहा है उसको लगा सकते हैं और उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल ऐसा है कि जितने पे आप मोड़ देंगे उतने पे ये मुड़ा रहेगा एक तरीके से समझ लो फ्लेक्सिबल रॉड इसके अंदर लगा हुआ है या फिर कह लो तो नॉर्मली तांबे जैसा रॉड है जो कि बहुत ही आराम से जितने पे आप मोड़ देंगे उतने पे ही मुड़ा रहेगा जैसे अभी हमने प्रीवियसली बात की थी एक एल लाइट की आ, टेबल स्टडी ही एल लाइट था उसमें भी ऐसी ही चीज़ें आती हैं कि उस स्टडी लाइट को आप जितने भी एंगल में तोड़ मरोड़ के घुमाना चाहो आराम से मुड़ जाता है वैसा ही कुछ जुगाड़ इसके अंदर भी लगाया गया है और अब अगर हम बात करें कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं तो घर के हज़ारों कोने होते हैं जहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अगर घर में एसी है तो एसी के ऊपर का हिस्सा हो गया जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा है वहाँ का हिस्सा हो गया अलमारी के ऊपर का हिस्सा हो गया इससे हम कार के अंदर भी बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं कार के अंदर तो के जो कोने होते हैं पतले पतले उनमें भी हम बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं दो दराज हैं उनके बीच में अगर गंदगी है तो उसको भी हम आराम से साफ़ कर सकते हैं टीवी तक साफ कर सकते हैं इससे लेकिन कम गंदगी हो तो नहीं तो अब कपड़े का यूज़ तो करना पड़ेगा तो ये सारी खूबियाँ थी अगर अब आगर आखिरी में हम बात करें इसके प्राइस की तो प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन तीन सौ निन्यानवे रुपये है हाँ मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप अमेज़ॉन पर ख़ुद से जाकर एक बार चेक करिए इसको लोगों ने यूज़ किया है अच्छे रिव्यूज़ हैं अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी लोगों ने बहुत सारा इस पर रिव्यूज़ अच्छा अच्छा दिया है तो आप खुद से इसको चेक करिए साथ में ही जाने से पहले आप एक बार को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपका प्यारा सा सपोर्ट दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए प्लस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार अपना ख्याल रखिए और अपने आप अप, मतलब मतलब अपना भी ख्याल रखिए अपनों का भी ख्याल रखिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार